ऑलरेडी मैं 19 देश घूम चुका हूँ और इस ट्रिप को मिला के तो 40 देश घूम चुका हूँ। एम्बेसी के ही कोई ऑफिसर मिल गया मुझे यहाँ बस के अंदर ही, तो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना वही मेरे साथ बस में एम्बेसी तक जा रहे हैं। क्या क्रेजी सीन हो जाएंगे। और बस भी ना भाई इन पटरियों पे ही चलती रहती है। मैं लंदन तक जा रहे हैं और लंदन से आगे फिर अपनी गाड़ी को शिफ्ट करवा देंगे यूएसए न्यूयॉर्क में। कुछ इस तरह से इनकी करेंसी लगती है, ये 10 का नोट है, मतलब की 5 यूरो हो गए, 500 रुपए इंडिया के। फिर हम न्यूयॉर्क से आगे जो है रोड ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। यूरोप में अचार आम का, चावल और दाल तड़का। ऐसी अंदर घुसे भाई साहब, सिक्योरिटी का जो लेवल है एम्बेसी का, मतलब मैंने तो नहीं देखा भाई इतनी सिक्योरिटी कहीं पे भी। भाई उन्होंने कहा गेट लॉक करके जाया करो, यहाँ चोरियां बहुत होती है। बाकी ये थी भाई शॉर्ट में पूरी स्टोरी मेरी यूएस वीजा एप्लीकेशन की, जो मैंने बोस्निया में अप्लाई किया एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। ओ भाई साहब बड़ी ठंड हो रही है यहाँ बोस्निया में। एक्चुअल में बोस्निया कंट्री का नाम है और उसकी कैपिटल साराजीवो में हूँ मैं इस टाइम पे। लास्ट के एक या दो लोग आपने देखे होंगे तो पता ही होगा, आज यानी कि 10 तारीख को भाई मेरा यूएस वीजा के लिए इंटरव्यू है। इसके लिए आज मैं लेट नहीं हुआ भाई, बिल्कुल टाइम पे निकला हूं। तो मैंने अपार्टमेंट रेंट किया है यहाँ पे, अराउंड यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है यूएस एम्बेसी। 8:15 की अपॉइंटमेंट है और अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं, तो 1 घंटा है पहुंचने के लिए। पैदल पैदल मैं 30 मिनट में पहुंच सकता हूँ, बट यहाँ पे मैंने एक लोकल से बात करी है, उन्होंने मेरे को बताया कि बस भी जाती है भाई बिल्कुल यूएस एम्बेसी तक बाहर। मैं बस स्टॉप ही जा रहा हूँ, होपफुली बस जल्दी मिल जाए। अगर जल्दी से नहीं आई तो भाई फिर पैदल पैदल ही निकल जाऊंगा, 25-30 मिनट की वॉक है। ठंड सही में बहुत हो रही है, कपकपी सी छा रही है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, आज है 10 जुलाई 2023। मैं हूँ अभी बोस्निया की कैपिटल साराजीवो में। आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस ट्रिप में मैं निकला हुआ हूँ दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो को लेके, वो भी भाई 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 25 कंट्रीज ट्रैवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। तो भाई बहुत ही एपिक रोड ट्रिप है, तगड़ी तगड़ी वीडियोस भी आ रही है, आप लोग सपोर्ट भी दिखा रहे हो। आज की वीडियो का एम 80,000 का है, करवा देना ठीक है। ये आ गया भाई यहाँ का बस स्टॉप, बिल्कुल जरा सही बस स्टॉप है। अब पता कैसे चलेगा कि बस आएगी कब। बाकी टिकट का तो उन्होंने बोला था कि बस के अंदर ही मिल जाएगी, जैसे अपने इंडिया में भी कंडक्टर देते हैं ना, यहाँ पे भी ड्राइवर दे देते हैं, तो उन्हीं से खरीद सकते हैं। अब 5-10 मिनट ही वेट करूंगा भाई, उससे ज्यादा वेट नहीं करूंगा वरना मेरी अपॉइंटमेंट छूट सकती है। यार बस आ तो गई है बट ये लेकर कहाँ जाएगी ये नहीं पता, तो चढ़ जाता हूँ अभी फटाफट से, किसी लोकल से बात करता हूँ या ड्राइवर से बात करता हूँ। लेट्स सी, टिकट मिल गया भाई यहाँ के 1.80 km यानी कि कन्वर्टेबल मार्क, जो कि अराउंड 0.9 यूरो बनता है। 90 रुपए की टिकट है और यहाँ से 5 स्टॉप है सिर्फ, और उसके बाद एम्बेसी आ जाएगी। वॉकिंग डिस्टेंस है बस स्टॉप से 10 मिनट या 10-15 मीटर सिर्फ। लो भाई आ गया है अपना स्टॉप दिस साइड। ओके ये बस स्टॉप है, नाम तो इसमें भी नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पे शायद से एम्बेसी के ही कोई ऑफिसर मिल गया मुझे यहाँ बस के अंदर ही, तो ये भी यहीं उतर रहे थे, कह रहे मेरे साथ साथ उतर जाना। सही है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हालांकि ट्रैम तो यहाँ की खराब पड़ी है इस सिटी की रेनोवेशन की वजह से, ये ओल्ड टाउन है ना क्योंकि, बट बस ही सही है हर 10 मिनट में। 10 मिनट भी छोड़ो, जब मैं स्टेशन पे आया था उसी वक्त एक बस निकली थी और उसके लिटरली भाई 2 मिनट बाद एक और बस आ गई, तो अच्छी सर्विस है इसका मतलब। अब लेट नहीं होगा भाई, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ये ऑफिसर तो भाई पूरे सूट बूट में तैयार होके जा रहे हैं ऐसे, मेरे को लग रहा है कि यही इमिग्रेशन ऑफिसर ना निकले मेरे। तो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना वही मेरे साथ बस में एम्बेसी तक जा रहे हैं, क्या क्रेजी सीन हो जाएंगे। बाकी सिटी यार बहुत प्यारी है इंडिया में ना, मतलब मनाली की याद आ गई, हालांकि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो नहीं है वहाँ पे, बट प्रॉपर ना हिल स्टेशन है भाई। ये ठंड हो रही है इतनी तगड़ी वाली, फील आ रही है कि हाँ इतने दिनों बाद ना किसी अच्छी सिटी में आए हैं, तो यहाँ पे अगर रुकना पड़ भी गया ना एम्बेसी की वजह से, मतलब उसकी वीजा की वजह से, तो 5-6 दिन हम निकाल सकते हैं। अपार्टमेंट भी अच्छा मिल गया है और आसपास भी दिक्कत नहीं है, इंडियन खाना भी है और वैसे भी बहुत सारा कुछ मिल जाता है खाने पीने का। अब देखो भाई पता नहीं आज ये जो है इंटरव्यू लेंगे तो हाथों हाथ अप्रूवल देते हैं कि नहीं देते हैं, मेरे ख्याल से बता तो देते हैं कि वीजा लगा या नहीं लगा, बट पासपोर्ट शायद से आज नहीं देंगे, कल या फिर परसों देंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लग जाए, वैसे ना भी लगे तो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसी जान तो चली नहीं जाएगी कि यूएस वीजा नहीं मिला तो मर जाऊंगा मैं। देखो तो ट्रैवल के लिए चाहिए, दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भैया कोई बात नहीं, फिर कभी अप्लाई कर लेंगे, थोड़ी कंट्रीज और घूम के अप्लाई करेंगे। वैसे तो केस मेरा इस टाइम पे भी स्ट्रॉन्ग है प्रॉपर, कोई ऐसा वो नहीं है कि उनको दिक्कत लगे, क्योंकि इतनी कंट्रीज ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूं मैं और अभी और भी करने वाला हूं इसी ट्रिप में, प्लस गाड़ी से कर रहा हूं अपने इंडिया की गाड़ी से। तो मैं तो उन्हें यही बताने वाला हूं कि हम लंदन तक जा रहे हैं और लंदन से आगे फिर अपनी गाड़ी को शिफ्ट करवा देंगे
यूएसए न्यूयॉर्क में, फिर हम वो न्यूयॉर्क से आगे जो है रोड ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। अब लेट्स सी कैसा जाता है। 1 hour later भाई पूरे 9 बज चुके हैं, लगभग 1 घंटा लग गया, मैं 8 बजे पहुंच गया था। और क्या परिणाम निकला है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बस लेके होटल के वहां पहुंचू, माइक वाइक लगा के समझाऊंगा अच्छे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बस स्टॉप आ गया है, वो सामने यूएस एम्बेसी थी एंड उसके ऑपोजिट रोड पे बस स्टैंड है। अभी अभी एक बस गई है बट आती होगी दूसरी भी। तो भाई आ गई है बस, यही वाली है शायद, हाँ, पर ये सिंगल वाली है, यहाँ डबल भी चलती है, दो दो बसों को ना चिपका के रखा होता है। और भीड़ बहुत है भाई बस के अंदर भी और बाहर भी, इस टाइम पे लोग ऑफिस वगैरह जा रहे हैं ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। बट कोई नहीं, चलो अपने तो 5 स्टॉप ही है, खड़े खड़े चले जाएंगे ना भाई, कहीं पे भी हो चाहे 1 स्टॉप हो चाहे 5 स्टॉप हो, टिकट उतने की लगती है। चलो भाई चलो, अपना स्टॉप भी आ गया है, वहीं सामने होटल है 300 मीटर की वॉक पे। भाई साहब ये ब्रिज देखो, नीचे पानी है तो काफी गंदा सा है ना, कैसा ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है, और मस्त लग रहा है। ऐसे भाई ये जो इंसानों की प्रजाति होती है ना, देख लो यहाँ भी चैन नहीं है, पानी में बोतलें फेंक रखी है, बताओ क्या होगा दुनिया का, समझ नहीं आ रहा मेरे को। और बस भी ना भाई इन पटरियों पे ही चलती रहती है, क्योंकि ट्रैम तो चल नहीं रही, मैंने बताया खराब पड़ी है। धूप निकल गई ना अब अच्छा लग रहा है भाई, वरना तो सुबह सुबह ऐसी चिल्लियां निकली पड़ी थी ठंड में। और ट्रैफिक रूल भाई पूरा फॉलो होता है यहाँ पे भी, देखो अभी रेड है अपनी, तो जैसी ग्रीन होगी फिर निकलेंगे। वैसे गाड़ी वाले ना कई कई रोक देते हैं खुद से ही, भले ही हमारी रेड हो बट सारे नहीं रोकते, देख लो ये निकल गए भाई साहब जैसे। बट ठीक है वो तो रूल फॉलो कर ही रहे हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ मार्केट में भी भाई अभी कुछ भी खुला नहीं है, सब कुछ हेलो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ये देखो होटल तो ऑब्वियसली खुले होंगे चेक इन करना होगा, पर दुकानें वगैरह कैफे जितने भी है वो सब कुछ बंद है। ये देखो ऐसी वाली चलती है भाई डबल बस, दो बसों को ना जोड़ रखा है, इतनी लंबी सी लगती है, और ये बीच में पता नहीं क्या लगा रखा है, जैसे ट्रेन के डब्बे जोड़ रखे हो, ट्रेन नहीं मेट्रो के डब्बे जुड़ते हैं ना ऐसे। और भाई सही है, एक टाइम पे कितने पैसेंजर्स आ जाते होंगे इस बस में। और कुछ तो समझ नहीं आ रहा भाई, पेस्ट्री ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये पता नहीं क्या क्या चीजें है, अब मेरे को समझ नहीं आएगा और अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो इनमें से कोई एक डन करते हैं। तो ये वाली भाई पसंद आ गई है अपने को, 3.5 कन्वर्टेबल मार्क, यानी कि 2 यूरो 1.5 यूरो के आसपास की, फिर से थोड़ा ज्यादा ही 200 रुपए लगा लो यार, एक पानी की बोतल भी ले लूंगा। कुछ इस तरह से इनकी करेंसी लगती है, ये 10 का नोट है, मतलब कि 5 यूरो हो गए, 500 रुपए इंडिया के। ठीक ये मिल गया भाई, पैटीज की तरह इंडिया में आलू भरे हुए, इसमें तो वेजिटेरियन है, खा के देखता हूँ। 1 km यानी कि 0.5 यूरो, 50 रुपए। मैंने तो भाई बोतल की जगह नॉर्मल पानी ले लिया, गिलास में ही पैसे बच गए। बस वो ऐसे पेस्ट्री खानी तो नहीं चाहिए बट भूख लग रही है बहुत तेज, इसलिए। ये तो भाई बिल्कुल ही पैटीज जैसा टेस्ट कर रहा है, मजा सा आ गया यार 50 रुपए में खा के। 2-3 खा लो मस्त पेट भर जाएगा, 150 रुपए में टेस्टी हुई है। हाँ भाई लोग, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैंने अपॉइंटमेंट या फिर जो इंटरव्यू है वो बोस्निया में क्यों करा, इंडिया में क्यों नहीं किया, तो उसके पीछे भाई रीजन ये है कि इंडिया में 1 से लेकर 1.5 साल तक की वेटिंग है, बताओ अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही खाली, और जबकि बोस्निया में मुझे 10 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिल गई। तो मैंने सोचा जब बोस्निया आ ही रहा तो बोस्निया में ले लेते इंटरव्यू। यहाँ पे देखो भाई पूरी मार्केट थसा ठस भर चुकी है और सारी शॉप वगैरह भी खुल गई है। हाँ तो अब बताता हूँ पूरा प्रोसीजर क्या था। सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, एक DS-160 करके फॉर्म होता है वो मैंने भरा, उसमें बेसिक डिटेल वगैरह होती है, फिर मैंने फीस भरी जो कि 180 डॉलर्स कर दी गई है, ऑलमोस्ट 15-16 हजार रुपए के आसपास लगा लो। देन फाइनल स्टेप में मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी, यहाँ सर अजीवो में इनकी यूएस एम्बेसी है, तो 10 तारीख की मुझे मिल गई थी सुबह। एम्बेसी पहुंचने के बाद 15 मिनट उन्होंने भारी बिठाए रखा क्योंकि मैं जल्दी पहुंच चुका था अपने टाइम से, और मुझे लगा था भाई ज्यादा लोग नहीं होंगे, बट भाई सब 12-13 लोग आए हुए थे, बताओ सुबह की अपॉइंटमेंट के लिए यूएस वीजा की, बट मेरा उनमें से 3rd नंबर था तो इसलिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 25-30 मिनट बाद ही मेरा नंबर आ गया। ऐसे अंदर घुसे भाई साहब सिक्योरिटी का जो लेवल है एम्बेसी का, मतलब मैंने तो नहीं देखा भाई इतनी सिक्योरिटी कहीं पे भी, इतने मोटे मोटे गेट लगा रखे एम्बेसी में घुसने के लिए, 3-3, 4-4 गेट अलग अलग, ऑफिसर ही ऑफिसर खड़े हुए थे भाई साहब, पुलिस वाले आर्मी वाले, तो बहुत तगड़ी सिक्योरिटी थी। सबसे पहले जो बाहर ऑफिसर थे ना उनके पास पूरी लिस्ट थी कि आज किन किन लोगों की अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने देखा मेरा नाम है 8:15 वाली अपॉइंटमेंट में, तो उस पर्चे में उन्होंने टिक मार दिया और मेरे को कहा कि वेट करो, फिर 15 मिनट बाद जैसे कि मैंने बताया आपको उन्होंने बुला लिया अंदर। अंदर जाते ही एक काउंटर था जहां पे उन्होंने मेरे से पासपोर्ट मांगा और एक वो कंफर्मेशन पेज जो मैंने ऑनलाइन प्रिंट करवाया था कल रात को, वो देखने के बाद उन्होंने कोई क्वेश्चन वोशन नहीं पूछा, सीधा कहा कि फिंगरप्रिंट लगाओ इस मशीन में, मैंने लगा दिया भाई लेफ्ट हैंड के फिर राइट हैंड के फिर दोनों थंब के। ये होने के बाद उन्होंने कहा कि 10 मिनट वेट करो, इतने वीजा ऑफिसर आने वाले हैं, वो अभी आए नहीं थे एम्बेसी में क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था ना, तो इसलिए मैं वहां बैठा रहा एंड काफी लोग थे जैसे कि मैंने बताया, बट थोड़ी देर बाद वीजा ऑफिसर आ गए वहां पर, आ गई फीमेल ऑफिसर थी, क्योंकि उन्होंने आते भाई पहले मेरा पासपोर्ट मांगा, मैंने पासपोर्ट दे दिया, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि क्यों जा रहे हो यूएसए, तो सिंपल आंसर
करता कि ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, हम रोड ट्रिप पे निकले हुए पूरे वर्ल्ड की, जैसे दिल्ली से लंदन जा रहे हैं तो लंदन से फिर यूएस से जाएंगे। इंडियन बैकपैकर। आर यू फ्रॉम बोस्निया? या ओरिजिनली। ओके, वी आर कमिंग फ्रॉम स्वीडन। हां ओके, इंडियन यस स्पेस बैकपैकर। चलते चलते ऐसे लोग मिल जाते हैं कैमरा देख के, मस्त माहौल है बिल्कुल। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैंने उनको पूरा प्लान समझा दिया कि अलास्का तक ड्राइव करेंगे, अपनी इंडियन गाड़ी है महिंद्रा लेकर आए हुए हैं, और ऐसे ऐसे इतनी कंट्रीज कर चुके ऑलरेडी और इतनी करने वाले हैं, और फिर प्लान कर रहे हैं यूएसए का। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि मैं करता क्या हूं। अच्छा, ये सब इंटरव्यू ना इंग्लिश में चल रहा था, हिंदी में नहीं भाई। तो इस क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया कि मेरी एक कंपनी है अपनी इंडिया में, और इसी के साथ साथ मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर भी हूं। बेसिकली मेरे 2-3 चैनल्स हैं और ऐसे ऐसे मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूं। उनको शॉर्ट में स्टोरी समझा दी 10-15 सेकंड में। भाई साहब सही में ये एरिया देख के ना मनाली का सोल की याद आ गई। देखना ऐसे ब्रिज बने हुए, सामने कैफेज है, कितना सही है यार ये एरिया। नो डाउट इसलिए इतने टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए भाई साहब, पूरे यूरोप से और बाहर से भी। हाँ, तो ये सब बताने के बाद उन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि आर यू मैरिड? तो मैंने कहा नहीं जी, मैं सिंगल हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। फिर चौथा क्वेश्चन आया उनकी तरफ से कि यूएसए में कोई फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स रहते? तो मैंने कहा नहीं रहते। तो वो पूछती फैमिली रहती कहाँ है? मैंने कहा इंडिया में ही रहती है, जहाँ पे मेरी सिटी है गुड़गांव। फिर पांचवा सवाल आया फैमिली करती क्या है? तो मैंने बता दिया मम्मी हाउस वाइफ है, पापा की पहले शॉप थी बट अब रिटायर्ड है। तो इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि पूरी ट्रिप का खर्चा कौन करेगा? तो मैंने कहा ऑब्वियसली मैं कमा रहा हूँ, मैं ही करूंगा। मतलब मैंने ऐसे नहीं कहा कि ऑब्वियसली मैं ही करूंगा, मैंने सिंपल कहा कि मैं करने वाला हूँ। फिर भाई उसके बाद उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा जो सबसे पहले आपके मन में भी आया था कि इंडिया में क्यों नहीं अप्लाई किया, यहाँ बोस्निया आके क्यों किया? तो जो आंसर मैंने आपको दिया वही मैंने उनको भी दिया कि अपॉइंटमेंट इंडिया में 1.5 साल की थी और हमको चाहिए था वीजा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को मशीन पे रखो, वो स्कैनर जो होता है। ये सब करने के बाद उन्होंने भाई एक पर्ची थमा दी और बोल दिया यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द यूएस वीजा। तो जी हाँ भाई लोग, यूएस का वीजा अपना रिजेक्ट हो चुका है, नहीं दिया उन्होंने। हालांकि ये पूरा इंटरव्यू गिनती के 5 मिनट भी नहीं चला होगा, और पता नहीं उन्होंने किस बेसिस पे मना किया है, क्या उनको लगा। ऑलरेडी मैं 19 देश घूम चुका हूँ और इस ट्रिप को मिला के तो 40 देश घूम चुका हूँ। एक्चुअल में जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं भाई, उन्हीं के हाथ में होता है सब कुछ, वीजा देना है नहीं देना है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो उन्होंने मेरे से सवाल तो पूरे करे बट दिया नहीं है, मेरे को वीजा रिजेक्ट कर दिया भाई। और इसके अलावा भाई वो रीजन भी कुछ नहीं देते, बस वो पर्चा था थमा देते। आपको मैं दिखा दूंगा, इसमें यही लिखा है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड ये वो। तो आप में से किसी को पता हो या फिर लग रहा हो, गैस कर सको कि किस रीजन की वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में जरा। अब यार देखो, दुख इस चीज का नहीं है कि वीजा नहीं मिला, मतलब दुख तो है थोड़ा बहुत है, बट इतना नहीं कि भाई जान ही जा रही है ऐसे यूएस वीजा नहीं मिला। तो कोई बात नहीं भाई, नहीं दिया तो उन्हीं का नुकसान है, मेरा क्या नुकसान है उसमें। बट दुख होता है कि जो 15,000 रुपए पे करे ना भाई, वो भी रिफंडेबल नहीं है, मतलब रिजेक्ट तो फिर पैसे भी गए। इनको ये करना चाहिए कि उसमें से थोड़े बहुत पैसे काट के बाकी रिफंड कर दो भाई बंदे को, अगर नहीं लगा वीजा। अगर लग गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 15 या 20 हजार ले लो। नहीं भाई 20 क्यों लो, 15 ही लो, ऐसे कैसे हैं। बाकी ये थी भाई शॉर्ट में पूरी स्टोरी मेरी यूएस वीजा एप्लीकेशन की, जो मैंने बोस्निया में अप्लाई किया एज एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर। अब देखो ये तो पूरी दुनिया को ही पता है कि भाई यूएसए में इंडिया का नाम थोड़ा खराब ही है, जिस हिसाब से इंडियन डोंकी मार के या फेक वीजा वगैरह करके पहुंच जाते हैं वहां पे। उसकी वजह से जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं हम जैसे, जो सिर्फ घूमने ही जा रहे हैं, वहां बसने ही नहीं जा रहे हैं, उनको भी दिक्कत आती है वीजा मिलने में। बट ठीक है भाई, सबकी अपनी मजबूरियां होती है, रही होंगी दूसरों की भी मजबूरी और उन ऑफिसर की भी मजबूरी। आज मेरे साथ सुबह हुआ है, मैं भूल भी चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ना दुख हो रहा है। बाद में 1-1.5 साल बाद फिर कभी अप्लाई कर देंगे, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो कोई नहीं, जय राम जी की। बाकी इस तरह के ये ब्रिज पे आ गया हूँ भाई, बड़ा खूबसूरत सा एरिया लग रहा था यहाँ पे, और नीचे पानी है, तो मैंने आपको सुबह भी दिखाया था भाई, मस्त लग रहा है ना। बाकी शहर के ना 2 पार्ट है, ओल्ड साइड एंड न्यू साइड। हम जहाँ पे रुके हुए ये ओल्ड टाउन है, सारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो बहुत साल पुराने बने हुए हैं। यहीं पे सामने # सराजीवो का बोर्ड या फिर आप कुछ भी कह सकते हो लगा हुआ है, जिसमें आगे फोटो खिंचवा रहे हैं लोग बहुत सारे। ये वो अंडरग्राउंड पार्किंग है भाई, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई है नीचे। 1 दिन का 10 यूरो ले रहे हैं, या फिर यहाँ की करेंसी के 20 कन्वर्टेबल मार, अराउंड 1,000 रुपए हो गए पर डे। बट ये है कि अंडरग्राउंड पार्किंग है ना, तो सेफ रहती है भाई गाड़ी, कोई टेंशन की बात ही नहीं। वो देखो, और 2-3 लेवल की पार्किंग है, 1 लेवल नहीं है, काफी बड़ी है भाई, जैसे मॉल्स वगैरह में होती है ना वैसी। वीजा रिजेक्ट होने की खुशी में चावल बनाए हैं यहाँ पे खुद से ही। अब किचन है तो यूज कर लेते हैं भाई, मजेदार चावल हमने ले ही लिए थे बल्गेरिया से, इंडियन बासमती। एंड रूम की हालत देखो भाई, कुछ इस तरह से कर रखी, क्योंकि मेरा ये वाला जो बैग है ना भाई, पूरा का पूरा फट चुका है, तो मेरे को अब ये यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा और इसकी जगह नया लेना पड़ेगा, और ये सारा सामान उसमें शिफ्ट करूंगा। बाकी ये बैग ठीक है, ये भी बैग ठीक है, तो आज सारा सेटअप होएगा, ये सारी हार्ड डिस्क वगैरह बैकअप चल रहा है। देख रहे हो कितना डेटा हो जाता है भाई ट्रिप में, अभी तो आधी ट्रिप खत्म हुई है और इतना बैकअप हो गया, ऑलमोस्ट 5-5 TB की
हार्ड डिस्क फुल हो चुकी है मेरी। तो अभी मेरे पास एक रेडी टू ईट पड़ी हुई है, लास्ट दाल वो खाऊंगा मस्त। पाव भाजी भी बढ़िया वैसे तो, बट ठीक है पाव भाजी नहीं खानी, वो दो पैकेट है पाव भाजी। लो जी भाई, यूरोप में अचार आम का, चावल और दाल तड़का, साथ में चल रही है एडिटिंग, और क्या चाहिए भाई, मजेदार। चलो भाई खाना वाना खा लिया है, अभी मैं सोच रहा हूँ ट्रिमिंग करवा लूँ। बाल तो इतने बड़े नहीं है, कटिंग की जरूरत नहीं है, बट दाढ़ी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो अभी ट्रिम करवा लूंगा ना, फिर 20-25 दिन जरूरत नहीं पड़ेगी। और ओनर ने एक एक्स्ट्रा चाबी दी हुई है भाई, उन्होंने कहा गेट लॉक करके जाया करो, यहाँ चोरियां बहुत होती है। यहाँ भाई लोग यूरोप में भी चोरियां होती है काफी ज्यादा। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये यहाँ का सिटी हॉल है, काफी फेमस है, लोग यहाँ पे आते हैं भाई, टूरिस्ट स्पॉट ही है समझ लो, बिल्कुल सिटी सेंटर में पड़ता है ये, इसलिए आप कह सकते हो सिटी स्क्वायर भी है यहाँ का ये वाला एरिया। वैसे तो देखो जगह जगह पे बनी हुई है ऐसी छोटी मोटी पार्किंग, बट ये सब ओपन पार्किंग है, हमें कवर चाहिए थी इसलिए वहाँ पे खड़ी करी। प्लस ये महंगी भी है भाई, पर घंटे के हिसाब से लेते हैं ये। वैसे भी हमें 2-3 दिन के लिए खड़ी करनी थी, पहले तो 5 दिन के लिए करनी थी, बट अब वीजा लगानी है तो इसलिए परसों हम निकल जाएंगे, कल कल और घूमेंगे। बट भाई साहब कितनी सही गली है यार, ये देख रहे हो मतलब इतनी ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है, सारा टूरिस्ट सारा क्राउड यहीं पे ही बसा हुआ है ऐसा लग रहा है, और काफी सारे कैफे रेस्टोरेंट्स वगैरह है यहाँ पे। एंड इधर ही भाई सोविनियर शॉप भी है, तो ले लेंगे यहीं से, अभी फिलहाल जाके बियर्ड कट करवा लूं फिर देखते हैं। चलो शुक्र है भाई एटीएम भी मिल गया, यहाँ की करेंसी निकालनी है, ज्यादा पैसे पड़े नहीं हुए क्योंकि इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, अभी ये ज्यादा ना कन्वर्जन फीस ना ले बस। और यहाँ एंटर को कहते हैं ऊनू, हमें विड्रॉ करने हैं, कितने निकालू भाई, 100 का मतलब हो गया 50 यूरो लगभग, यानी कि 5,000 रुपए, तो विद रिसिप्ट कर देते हैं। चलो जी, चलो हो गई है ट्रांजेक्शन अप्रूव, पैसा निकल जाए जल्दी जल्दी। अरे पैसा दो भाई, कहाँ गया ट्रांजेक्शन, कैन नॉट बी प्रोसेस, ये क्या खराब है, लग रहा है एटीएम, कोई नहीं एक और कोई ट्राई करूंगा। ओ भाई साहब कितने सारे टेडी बियर और वो सूटकेस मिल गए, चलो यहीं से ले जाऊंगा मैं रात को, बढ़िया यार अपना काम हो गया आज का। एंड बार बार शॉप भी आई गई है, बस कितना है 120 मीटर है इसी रोड पे, एक्चुअल में काफी भीड़ लगी पड़ी है भाई, पूरे शहर का टूरिस्ट यहीं पे आया हुआ लग रहा है। ओ मिल गई भाई, ये सामने बार बार शॉप और नीचे सैलून भी लिखा हुआ है, पर ये बंद है या खुला हुआ है पता नहीं भाई, खुला ही लग रहा है, हाँ खुला हुआ है, चलो शुक्र लड़की की तरह, यहाँ भी ज्यादा महंगा ना हो बस। चलो भाई अपना नंबर आ गया है, फटाफट से करवाए फिर घूमने निकलेंगे। हेलो भाई हो गई है, थैंक यू। बियर्ड ट्रिमिंग के भाई टोटल 10 MK यानी कि 5 यूरो अराउंड 480 रुपीज लिया है, ऑब्वियसली भाई महंगा है बट ठीक है, और कटिंग के भी इतने ही थे सेम टू सेम, तो चाहे बियर्ड कराओ चाहे कटिंग करवाओ 500 रुपए लगेंगे। तो मेरे पास ना वैसे अपना ट्रिमर है, बट लेकिन अपने ट्रिमर से ना वो परफेक्ट शेप नहीं आ पाती, इसलिए मैं बाहर से ही करवा लेता हूँ, 15-20 दिन में एक बार करवाना होता है। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज है और ये रेट चल रहा है भाई, ये $100 के मुझे दे रहे हैं 85 यूरो, तो मैंने कहा चेंज करवा ही लेते हैं भाई, डॉलर तो अब काम आने नहीं। और एक्सचेंज के लिए आईडी मांगते हैं, पासपोर्ट दिखाया मैंने, यस यस, गिव मी 250 यूरो एंड रिमेनिंग 50 यूरो कन्वर्टेड इनटू MK मार्क्स, यस इन मार्क्स। तो यहाँ के भी करेंसी ले लिया थोड़ी सी और बाकी बचे हुए का यूरो ले लिया, डॉलर से यूरो का भी बहुत अच्छा रेट मिल गया और यूरो से यहाँ की करेंसी का भी मार्क्स जो कहते हैं उसका भी बहुत अच्छा रेट मिल गया। तो एटीएम से तो भैया पैसे लुटते हैं काफी ज्यादा, सबसे बढ़िया अपने इंडिया से डॉलर या फिर यूरो कैरी करो अगर आप यूरोप आ रहे हो तो मस्त अपना हर देश की करेंसी चेंज करवा लो यूरो दे दे के, सबसे बढ़िया रेट मिलेगा। पैक ऑफ 6 राइट, यस दिस वन। तो पानी खत्म हो गया था भाई, मैंने सोचा यहीं पे सुपरमार्केट ले लेता हूँ, सुपरमार्केट तो नहीं है छोटी शॉप है थोड़ी, तो थोड़ा महंगा मिल रहा है यहाँ पे। थैंक यू, पानी की दिक्कत नहीं होगी, आज का दिन कल का दिन 2 दिन है ना भाई, तो पानी लग ही जाता है, चावल वावल बनाने पड़ जाते हैं कभी कभी। लगभग 1.5 लीटर की 6 बोतलें 500 रुपए की आई है, पानी तो महंगा है भाई यूरोप में नो डाउट, बट ठीक है यार, कई लोग कहते हैं कि टैप वाटर पी सकते हैं और कुछ लोग कहते हैं हार्ड वाटर होता है पचेगा नहीं हमें, तो इसलिए हम तो भैया रिस्क नहीं ले रहे, वाटर बोतल ले लेते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ी महंगी मिली, वैसे ये 60 रुपए की पड़ती है बोतल बड़ी सुपरमार्केट से लो, और अब पड़ी है ये लगभग 80 रुपए की। अपना वो अपार्टमेंट देखो, वो ब्राउन वाला गेट है ना वहाँ पर है भाई, और ये चढ़ाई चढ़ने में हालत खस्ता हो जाती है, ऊपर से इतनी भारी 6 बोतलें लेके सही में बैंड बज गई भाई, बट ठीक है जल्दी जल्दी चले क्योंकि आज थोड़ी नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे कैफे वैफे पे जाएंगे कहीं पे या फिर क्लब में भी जा सकते हैं। लेटर दैट सेम इवनिंग, चलो जी भाई नाइट पार्टी करने के लिए रेडी हो गए हैं, नए जूते पहन लिए, आज अगर क्लब नहीं मिला तो ये खत्म है लड़का मेरे से। बेटे तुम्हारे उस पे जा रहा हूँ कि है क्लब, क्योंकि
मुझे उम्मीद नहीं है इस सिटी में रात को क्लब हो सकते हैं 10:30 बजे। अरे सब होगा ब्रो, हाँ देखेंगे, नहीं मिला ना फिर बताऊंगा। यो यो सीट पे तो भाई लोग घूम रहे हैं, अभी भी 11:15 बज रहे हैं रात के। एंड नए जूतों में भाई शू बाइट होती है बहुत ज्यादा, अभी डांस भी करना है अगर खुला हुआ होगा क्लब तो। और वो सामने देखो सिटी के जो घर है ना उनकी लाइट कितनी मस्त लग रही है रात को। ये देख लो भाई जो मेन सर्कल है यहाँ पे भी मस्त पूरी लाइटें वाइटें जली हुई है, सब लोग भटक रहे हैं आराम से। एंड वो सामने वाली स्ट्रीट है मेन, वहाँ पे थोड़ा कम हो गया लोग बट अभी भी है। फिर भी यहाँ तो कोई क्लब नहीं है, इसी रोड पे ना 1 किलोमीटर आगे क्लब है, तो वही बस सर्विस यूज कर रहे हैं, सीधा रोड पे ही छोड़ दे यार, आगे से खुलेगा। चलो चलो चलो, टिकट यहीं से लेनी पड़ेगी। वहीं ड्राइवर जो बैठे होते हैं ना वही टिकट दे देते हैं भाई, चिल्लड़ दे दो उनको मस्त। गूगल मैप पे देखते जाएंगे, जैसी आने वाला होगा उसी स्टॉप पे उतर जाएंगे, क्योंकि यहाँ के स्टॉप के नाम तो पता नहीं होते हमें कौन सा है क्या है। एंड सही में भाई 11:30 बजे ये स्ट्रीट बिल्कुल खाली सी हो गई है, अब टूरिस्ट चले गए हैं होटलों में अपने अपने। चलो भाई उतर गए हैं, 180 मीटर है, अब यहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा क्योंकि मेन रोड पे नहीं है, कहीं गलियों में घुस घुस के है। तो ये था भाई पीछे क्लब, बिल्कुल खाली पड़ा था, शांत, ना गाने वाने बज रहे थे, बस लोग पी रहे थे, तो वो हमें करना नहीं था, फायदा नहीं। तो पैदल पैदल चल के वापस अपने होटल वाली गली में आके किसी कैफे में बैठ के खाना ही खा लेते हैं। ना तो बस मिली वहां से और ना ही अब क्लब मिला, तो इसलिए धोखा दिया तुमने मेरे को, जबरदस्ती तैयार होके लेकर आयो। आराम से मैं लेटा हुआ था क्लब, बताओ नाचने का पहले वो लगा दिया मेरे सर पे, फिर कौन सा वो चलता, क्या कहते उसको, कमरिया कुछ भी चलता, नाच तो देता ना। इधर की साइड खुले तो है एक दो कैफे, थोड़ा और अंदर चलते हैं वहाँ देखते हैं। लो भाई ये वाली लाइन भी पूरी खाली पड़ी है, एंड आई गेस ये वाली लाइन भी खाली पड़ी है। ओले भाई ये भी खाली है, सारे कैफे भी बंद हो गए भाई। लो भाई फाइनली खुले हुए मिल गए, यहाँ तो खाना तो मिलेगा भाई, आओ ना खाना पूछते हैं। तो भाई कुछ नहीं मिल रहा रात को, अब ये पेस्ट्री ही सहारा है बस भूख मिटाने का, एक ही ले लिया, इसी से पेट भर के सो जाए। पता नहीं क्या ऐसी है भाई, अंदर व्हाइट सी कुछ डाल रखा है, अरे यार ये तो प्योर चॉकलेट नहीं है भाई, खराब है तू। अबे बदबू, खाना देखना ट्राई करो, बदबू आ रही है अंदर से, पता नहीं क्या चीज है ना, ऐसे नहीं अगर खराब है, खराब है। अच्छा इसके अंदर केला है भाई, वो भी सड़ा हुआ केला, इसलिए अच्छी लग रही। चलो भाई चलो चिल्लड़ देंगे अब इनको, और क्योंकि ये भाई मेन टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ का सेंटर है, तो इसलिए रात को देखो ऐसे सफाईया होती है, पूरी गाड़ी आती है और मस्त पानी डालते हैं, बट कूड़ा यहीं पे फेंका हुआ सारा, अभी लेकर जाएंगे शायद। ये सामने ही भाई फ्रूट शॉप खुली हुई है, यहीं से कुछ फल ले लेते हैं, यही पेट भरेगा अब हमारा। यहाँ तो सब्जियां ही दिख रही है सारी, उधर है फ्रूट्स हो रहे हैं, हाँ यही ले लेते हैं, और क्या बेरीज वगैरह भी है इनके पास, सेब भी है, अंगूर देखो कितने मोटे हैं भाई, अंगूर ही ले रहा हूँ, वैसे रिस्क नहीं ले सकते खा के टेस्ट करने का, मीठे होंगे खट्टे होंगे देखे जाएगा। अंगूर ले लिए भाई कितने, अभी और तोल लेंगे, और ये दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं पर पता नहीं मीठे होंगे या नहीं होंगे, ये वाले सही लग रहे हैं थोड़े से। तरबूज भी भाई इन्होंने पूरा प्लास्टिक में पैक कर रखा है, ले ही लेता हूँ वैसे मन कर रहा है। तो ये तीन चीजें ले लिया भाई, लेट्स सी कितने बनते हैं, एक चिप्स का पैकेट भी ले लिया भाई, टोटल 15 km यानी कि 750 रुपए लगभग, मतलब 7.5 यूरो या इंडिया के 750 रुपए। बताओ भाई इतना सच दच के गया, ना तो नाचने को मिला ना खाने को मिला। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना पीता।